बोला भी नहीं कि आप कैसे मिल रहे रास्ते कोरोना महामारी के चलदिया जिथे जनजीवन प्रभावित होया है उत्थे ही दुकानदारां दे नाल नाल आम मजदूरी करन वाले लोग भी इसका संताप हंडा रहे हैं। जिहा ही एक मामला नंगल तो सामने आया है जिथे कि महाराष्ट्र तो आए हुए मजदूर इस कोरोना महामारी दौरान इत्थे फस गए। जानकारी मुताबिक किसी ठेकेदार वालों इस लेबर नूं महाराष्ट्र तो मंगवाया सी पर इत्थे पहुंचण उपरंत उस ठेकेदार ने इस लेबर नाल राबता कायम नहीं किया ते जिस दे चलदिया ये लेबर इत्थे ही फसी हुई है। जिवें ही इस घटना बारे नंगल नगर कौंसल के प्रधान संजय सानी नूं पता चलिया तां उह तुरंत मौके उत्ते पहुंचे जिथे पहुँच के उन्हें जानकारी ली जिथे उन्हें मौके पर पहुँच के इन्हां मजदूरां नूं वापस महाराष्ट्र जाण तक दा प्रबंध कर दिता। उन्हें दस्या कि मिली जानकारी मुताबिक ये मजदूर तीन दिन तो इत्थे ही बैठे हैं जिस दे चलदिया इन्हां कोल अपने पैसे भी खत्म हो गए हैं। उन्हें दस्या कि इन्हां मजदूरां दा घर जाण तक दा प्रबंध अते राह दे विच खाण पीण तक का प्रबंध भी किया जाएगा। पंजाब टीवी लिए अविनाश शर्मा ने राकेश राणा की रिपोर्ट। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ सर, हम लोग हमारा नाम प्रशांत सावंत है। हम महाराष्ट्र से वाशिम करके ज़रा इधर ऊना गए थे काम करने के लिए। हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर था वो नासिक का रहने वाला था। उसके तरफ पहले बॉम्बे में काम किया था हमने। हमारा क्या, उसने ऊना लेके गया, वहाँ से क्या छोड़ दिया। अभी गांव जाना चाहते हैं, हमारे पास किराया भाड़ा कुछ नहीं था। तो चेयरमैन साहब हैं यहाँ के, प्रधान जी ऊना अपना नंगल डैम के, तो उन्होंने हमारी टिकट विकेट बना दिए। ट्रेन में दो तीन दिन लगता है, उनका खर्चा भी है वो कर रहे हैं। आगे कुछ बच्चे को दूध पानी के लिए उन्होंने मदद कर दी, और थोड़ा बच्चे लेडीज है तो सब व्यवस्था कर रहे हैं हमारी। कितने आदमी है? हम लोग यहाँ है अभी 20, वैसे बच्चे पकड़ के हम लोग है 22 आदमी। बच्चे 18, बड़े 18 है और बच्चे छोटे हैं 6 बच्चे। नंगल में कितनी देर से फंसे हुए हो? नंगल हम लोग कल दोपहर आए थे 2 बजे। उससे आपने कांटेक्ट नहीं किया? जो कांटेक्ट, जिससे कांटेक्ट, जिसने लाया हम लोग उससे कांटेक्ट कर रहे हैं, पर उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। कहाँ का है वो ठेकेदार? वो नासिक का रहने वाला है, नारायण वाडेकर है उसका नाम। उसके साथ पहले काम किया था बॉम्बे में हमने। अभी हमारी व्यवस्था नहीं हुई थी तो यहाँ के जो नंगल डैम के प्रधान जी है वो हमारी व्यवस्था कर रहे हैं। क्या समस्या हुई आप यहाँ पे फंसे हुए हैं? ठेकेदार ने लाया था हमको काम के लिए, अभी छोड़ के चला गया। 2-3 दिन हमको बैठा के रखा था उसने। कैसा हमको अभी नंगल के ये है ना प्रधान जी, उन्होंने हमारी व्यवस्था की जाने, हाँ हेल्प की जाने के लिए। बहुत मेहरबानी हो गई उनके हमारे ऊपर, धन्यवाद सर। अज मैनू थोड़ी देर पहले ही साढ़े अभी राणा जी ने अड्डा मार्केट तो साढ़े प्रेस दे भी है दैनिक पंजाबी जागरण दे ने, उन्हां दा मैनू फोन आया कि कुछ प्रवासी मजदूर है जिहड़े महाराष्ट्र तो आए है वो कल दे इत्थे बैठे है। इन्हां कोल जिहड़ा हैगा किसे ठेकेदार ने लेबर मंगवाई सीगी ऊना च, वो ठेकेदार इन्हां नाल धोखा कर गया। ये 3 दिन तो बेचारे इत्थे घूम रहे हैं, इन्हां कोल पैसा जिहड़े है खत्म हो गए, तो इन्हां दा रोटी का भी जिहड़ा हैगा जुगाड़ कोई नहीं सीगा। ये अभी जी ने मेरे ध्यान च लिया, मैं इत्थे तुरंत अभी जी दे कहण ते आ गया। इन्हां दी टिकट दा खर्चा जिहड़ा हैगा, मैं इन्हां नूं टिकट जिहड़ी है बुसाल महाराष्ट्र तक जिहड़ियां हैगियां करवातियां सी, करवाण जा रहे साडे विद्या सागर जी ने, MC साहब इन्हां दी ड्यूटी लगाती है। इन्हां नूं टिकटां दा प्रबंध करके जिहड़ा हैगा इन्हां नूं चंडीगढ़ तों जिहड़ा हैगा उत्थे दी टिकट बसाल तक ही पहुँच जाणगे। और रस्ते दे विच इन्हां दे जिहड़े देखो तुसीं देखिआ है कि बच्चे छोटे है, इन्हां दा कुछ खाण पीण दा भी प्रबंध आपां करांगे। किन्ने बंदे आ? ये 18 वड्डे लोक है, छोटे बच्चे है बेचारे 6 जणे, एक टोटल 24 बच्चे है।